فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صلوات محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ لیں. برادران عزیز، قرآن حکیم کے 22 سورہ، سورہ مبارکہ حج کی 46 آیت ہماری گفتگو کی رہنمائی کر رہی ہے. اس آیت کریمہ میں حقیقت وجود انسانی، یعنی قلب انسانی یا روح انسانی اور نفس انسانی اور عقل انسانی پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ جس سے سائنسی اور حکیمانہ دونوں زاویہ فکر روشن ہو جاتے ہیں. سائنس کا اپروچ فلسفی کے اپروچ سے ذرا مختلف ہے، ذرا تو حشو کلام ہے. یہ کہہ دینا کافی ہے کہ سائنس اور فلسفی کے اپروچز مختلف ہیں، ڈفرینٹ ہیں. کہیں کہیں سرحدیں مل جاتی ہیں، لیکن عموماً راہیں مختلف اور متفاوت ہیں. کل بھی گزارش کی تھی میں نے کہ خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں انسان کے سائنسی اور تجربی شعور کو گویا مخاطب قرار دیا گیا ہے، اور نفس انسانی کی تعمیر اور ترقی، اس کے عروج اور ارتقاء اور اس کے تکمیل اور تکامل کے سائنسی یا تجربی پروسیس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے نفس تکامل کی منزلوں سے گزرتا ہے. تکامل، اور کس طریقے سے نفس میں تعقل پیدا ہوتا ہے. ترجمہ آیت ذہنوں میں محفوظ ہوگا،
और सियाक व सबाक भी गुजारिश कर दिया था मैंने। अफलम यसीरू फिल अर्द या अवलम यसीरू फिल अर्द, ये फकरा कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर आया है, कम से कम 7 मकामात पर। तो बिल्कुल इसी तरह है, अफलम यसीरू फिल अर्द या अवलम यसीरू फिल अर्द, क्या इन्होंने ज़मीन की सैर नहीं की, ज़मीन में चल फिर के देखा नहीं। फतकून लहुम कुलूब याकिलून बिहा, ये ज़मीन में चल फिर के देखते तो इनके पास वो नफ्स पैदा हो जाता, वो कल्ब इन्हें हासिल हो जाता कि जिसमें तअक्कुल की सलाहियत भी होती। यानी ऐसे भी नफ्स होते हैं कि जिनमें तअक्कुल की सलाहियत नहीं होती, और ऐसे भी कल्ब होते हैं जिनमें तअक्कुल की सलाहियत होती है। खुद लफ्ज़ नफ्स का इतलाक अरबी ज़बान के एतबार से मुख्तलिफ हकीकतों पर होता है। नफ्स इस खून को भी कहते हैं जो हमारी रगों में रवा दवा है, इसको भी नफ्स कहते हैं। हकीकत ज़ात को भी नफ्स कहते हैं, और भी नफ्स के इतलाकात अरबी ज़बान में हैं। और इसी एतबार से हुकमा की किताबों में नबातात और हैवानात और इंसानों के दरमियान ये लफ्ज़ मुश्तरक तौर पर रख दिया गया है कि नबातात में नफ्स नबाती पाया जाता है, हैवानात में नफ्स हैवानी पाया जाता है, और इंसानों में नफ्स इंसानी पाया जाता है। हुकमा की नज़र यहीं तक पहुँची और नफ्स माफोक इंसानी को वो समझ न सके। जब समझ न सके तो कलम यहीं पर तोड़ दिया। कलम इंजा रसीद व सर बेशिकस्त, जाहिर है कि इंसान के लिए ये मकदूर न था कि वो नफ्स इंसानी को भी पूरे तौर पर समझ सके। तो उन नफूस को कहाँ समझ सकता था जो माफोक इंसान और माफोक बशर हैं। इसीलिए उस किल के मशीयत की ज़रूरत थी कि जो नफूस को भी पहचानवाए, उन नफूस को कि जो माफोक बशर हैं। और इसीलिए गालिबन बाज़ आयतों में जो ताबीरें हैं वो अजीब व गरीब ताबीरें, कोई और तरीक़ा भी हो सकता था बयान करने का, मगर बयान इसी तरह किया गया कि फ़मन हाज्जक मिन बाद मा जाअक मिन अल-इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अनफुसना और अनफुसकुम में बहुत फर्क है। बस एक सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। गुफ्तगू करने वाला एक है, गुफ्तगू करने वाला एक है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू करने वाला एक है, एक सिर्फ एक, जिसके अंदर हकीकत नबुवत मुनहसर है उसकी ज़ात में, हकीकत रिसालत मुनहसर है उसकी ज़ात में, मर्तबे खातिमियत मुनहसर है उसकी ज़ात में। वो एक है गुफ्तगू करने वाला, मगर ज़मीर जमा की इस्तेमाल कर रहा है। अनफुसना, हम अपने नफ्सों को लेकर आए। ये हमा हमी हर एक को जेब नहीं देती है। हर एक को जेब नहीं देती। ये वही कह सकता है कि जिसका परवरदिगार भी हमा हमी की शान रखता हो, इन्ना नहनो नहयिल मौता, हम हैं हम। कितने मकामात पर आया,
इन्ना नहनो नज़लना, कहां कहां पर आया? वो भी एक है, एक, और वो ऐसा एक है कि जिसकी यकताई भी आज तक समझ में ना आ सकी। और इसीलिए बार बार इशारे किए जाते हैं कि उसकी यकताई, उसकी वहदत, वहदत अददी है या गैर अददी, यानी उसकी वननेस जो है वो न्यूमेरिकल वननेस है या अन्यूमेरिकल वननेस है, रियाजियाती वहदत है या गैर रियाजियाती वहदत है। कभी कभी अब बड़े जो फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हजरात हैं उनके लिए तो ये मसला मेरा ख्याल है रोशन होगा, लेकिन जो हमारे बच्चे और तलबा और नौजवान हैं उनके लिए बस इतनी बात कहूँ, अगर वो पूछेंगे, ये बच्चे पूछेंगे आपसे कि ये अन्यूमेरिकल वननेस क्या चीज़ है, न्यूमेरिकल वननेस क्या है, वननेस की भी क्या दो किस्में हैं, तो आप इनसे बताइएगा कि हाँ दो किस्में हैं, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल वननेस वो होती है कि जिसे हाफ और टू में भी बदला जा सके, वहदत अददी वो है जिसका निस्फ भी मुमकिन हो और इसनैन भी मुमकिन हो, वहदत गैर अददी वो है कि जिसका ना निस्फ मुमकिन है ना इसनैन मुमकिन है। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। बस उसका कंसीव करना मुश्किल है, उसका तसव्वुर करना मुश्किल है कि कोई ऐसा भी एक हो सकता है जिसे दो टुकड़ों में ना बांटा जा सके, कोई ऐसा भी एक हो सकता है जिसे मल्टीप्लाई ना किया जा सके, जिसे दो ना बनाया जा सके, जिसे तीन ना बनाया जा सके, है ना तकसीम हो सके और ना उसमें इजाफा मुमकिन हो, ऐसा भी कोई एक मुमकिन है? अरे जब ऐसे किसी एक का तसव्वुर आपकी अकल में समा नहीं सकता तो और क्या समा सकेगा? अब बताइए कि अकल को कितनी बुलंदी तक ले जाना दरकार है, किस कदर ज़रूरी है कि आपको वो नफ्स मिल जाए कि जिसमें ताक़ुल की सलाहियत हो। और इसीलिए इल्मी और फिक्री बहसों की ज़रूरत भी पेश आती है। ये जिसे फ़लसफ़ा कहते हैं, मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ दुनिया में अब फ़लसफ़े की रिवायत कमज़ोर पड़ चुकी है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये फ़लसफ़े की रिवायत रिवाइव होगी, तजदीद फ़लसफ़ा इंशाअल्लाह होगा, तजदीद होगी फ़लसफ़े की। फ़लसफ़ा शुरू में जितनी भी इल्म की शाखें थीं वो सब एक उनवान के तहत मुंदरज थीं, फ़लसफ़ा फ़िलासफ़ी, उसकी छः तकसीमें कर दी गई थी, बुनियादी तौर पे दो तकसीमें, नज़री फ़लसफ़ा, अमली फ़लसफ़ा, थियोरेटिकल फ़िलासफ़ी, प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी। और उसके बाद फिर थियोरेटिकल फ़िलासफ़ी की तीन किस्में की गई, प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी की तीन किस्में की गई, और उसके बाद उन किस्मों की किस्में और किस्मों की किस्में की गई। अब इस दौर में यह है कि फ़लसफ़े की जितनी किस्में थीं, छोटी छोटी किस्में, बल्कि फ़लसफ़े के छोटे छोटे मसाइल जो कभी सिर्फ़ एक मसले की शक्ल में थे, आज वो पूरी एक ब्रांच ऑफ नॉलेज बन चुकी है, पूरी एक शाख बन चुकी है, और वो मुस्तकिल इल्म और मुस्तकिल साइंस की शक्ल में पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, उसमें रिसर्च हो रही है। अब इस अहद में ले देकर फ़लसफ़े के दामन में जो बच गया, जो सिर्फ फ़िलासफ़ी के उनवान के तहत है, वो दो चीज़ें हैं, या नज़रिया वजूद है या नज़रिया मारिफत, या वजूद शनासी की बहस है या इल्म शनासी की मारिफत है, मारिफत शनासी, यानी या ऑन्टोलॉजी है और या एपिस्टीमोलॉजी है। और वजूद शनासी की जब बात मैंने कही तो आप हजरात के जहन में वजूदियत के मुतरादिफ वो इस्तिलाह आ गई होगी जिसे एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। ये मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये कुछ और है, इसका फ़लसफ़े से ताल्लुक़ वैसा ही है
जैसा हकीकत से ख्वाब का ताल्लुक होता है। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, हो सकता है किसी में मुनाजरे का जोश हो तो मैं फिर इंशाल्लाह किसी वक्त मुनाजरा करूँगा। वजूद शनासी, ये फलसफे के दायरे में है, या मारिफत शनासी, इल्म शनासी, ये फलसफे के दायरे में है। इस आयत में मैंने कहा हकीकत नफ्स व अक्ल से बहस होगी, यानी दोनों बहसें सिमट आएंगी। हकीकत नफ्स से बहस है हकीकत वजूद से बहस, और तअक्कुल की बहस है हकीकत इल्म से बहस। और फरमाया आपने इस तरह ये आयत दोनों बड़े मसाइल की जामिअ है, और दोनों का एक दूसरे से राबिता भी वो बयान कर देती है कि फतकूना लहुम कुलूबुन यअक्लूना बिहा, उनके पास ऐसे कल्ब होने चाहिए जिससे वो तअक्कुल का काम ले सकें। यानी असल चीज है कल्ब, और उसके अमल का नाम है तअक्कुल। कल्ब है एक शय और उसका अमल है तअक्कुल। असल शय है नफ्स, और नफ्स की एक मखसूस हरकत का नाम है तअक्कुल। कहीं ऐसा ना हो कि हम जौहर को अरज और अरज को जौहर कहने लगे। ये बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल मसला है, लेकिन बहरहाल इस गुफ्तगू को इतनी ज्यादा इस्तिलाहात में मुकय्यद करके आगे बढ़ाने से गालिबन ज्यादा फायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि इस्तिलाहों को जरा किनारे रख कर गुफ्तगू अगर बढ़ाई जाए तो ज्यादा गालिबन मुफीद होगी, और हमारे नौजवान साथियों के लिए ज्यादा मुफीद होगी। इस वक्त दुनिया में, कल जो मैंने एक जुमला कहा था और फिर आज कहूँगा, जो दुनिया में तालीमी निज़ाम कायम है, फिलॉसफी के डिपार्टमेंट्स बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कायम हैं, और उसमें भी अज़ीज़ाने गिरामी मैं नहायत दर्दमंदी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में जो डिपार्टमेंट्स हैं फिलॉसफी के, उसमें फिलॉसफी के नाम पर फ़लसफ़े के नाम पर सफसता ज़्यादा पेश किया जा रहा है। फ़लसफ़ा अलग है और सफसता अलग है। फ़लसफ़ा कहते हैं जो चीज़ है उसे हम कहें कि है, और जो चीज़ नहीं है उसे कहें कि नहीं है। यह है फ़लसफ़ा। सफसता क्या है? जो चीज़ है उसे कहें कि नहीं है, और जो चीज़ नहीं है उसे कहें कि है। यह है सफसता, है यह है मुगालता। बहरहाल सफसती असल वजूद का इनकार कर देता है, असल वजूद का इनकार कर देता है, कुछ भी नहीं है। सफसती का इनकार आरिफ के इनकार से बहुत मुख्तलिफ है। जब एक आरिफ कहता है कि माँ से वल्लाह कुछ भी नहीं आए, उसके मानी कुछ और हैं। खुदा के अलावा कुछ भी नहीं आए, इसके मानी कुछ और हैं। और जब एक सफसती या मुशक्किक ये कहता है कि कुछ भी नहीं है, तो उसके मानी कुछ और हैं, उसके मानी बिल्कुल कुछ और हैं। जब फलसफी कहता है कि खुदा के अलावा कुछ नहीं है, तो वो एक हकीकत का इस्बात कर रहा है, और वो है खुदा की हकीकत। वो दर हकीकत वजूद का, सरचश्मे वजूद का, हकीकत वजूद का, असल वजूद का इस्बात कर रहा है, और हर एतबारी वजूद का इनकार कर रहा है, इसलिए कि एतबारी वजूद की कोई हकीकत ही नहीं है। एतबारी वजूद की कोई हकीकत ही नहीं, असल हकीकत तो वही असल वजूद और सरचश्मे वजूद है। इसलिए जब आरिफ कहता है, सूफी कहता है, फकीह कहता है, जाहिद कहता है, अहले विलायत कहता है कि कुछ भी नहीं है माँ से वल्लाह, उसके मानी कुछ और होते हैं, और जब एक मुशक्किक कहता है कि कुछ भी नहीं है आलम खारिजी में, तो इसका मतलब वो खुद सरचश्मे वजूद का इनकार कर रहा है। और जब सरचश्मे वजूद ही का इनकार कर देगा, तो फिर याद रखिए कि उसे अपनी जात के इस बात के लिए भी कोई एहसास फराहम ना हो सकेगी।
फिर अपनी जात के इस बात के लिए भी कोई एहसास फराहम ना हो सकेगी। फिर ये कहना कि मैं हूं चूंकि मैं हूं इसलिए सोच रहा हूं, चूंकि मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं, ये सब सफसता ज़दा फलसफे की गुफ्तगू है। सफसता ज़दा फलसफा है, फलसफा इसमें इल्म और जहल का आमेजा है। अब जहल मुरक्कब की दो अलग अलग तारीफें करनी पड़ेंगी। एक कभी मैंने इससे पहले हो सकता है कि वो जहल मुरक्कब की तारीफ, जहल मुरक्कब ये है जिसे कहते हैं जहल स्क्वायर, यानी जहल को जहल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं नहीं जानता, अगर मुझे ये मालूम है कि मैं नहीं जानता तो एक चीज़ मुझे मालूम है, एक कज़िया एक प्रोपोजिशन का मुझे इल्म है कि मुझे नहीं मालूम है, मैं हूँ लेकिन मेरा ज़र्फ़ इल्म से खाली है, ये मुझे मालूम है। और अगर मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे नहीं मालूम, ये वो मरज है जो कभी दूर नहीं हो सकता, कभी नहीं दूर हो सकता। मुझे ये भी नहीं मालूम कि नहीं मालूम, तो ये कहलाता है जहल मुरक्कब, और ये एक मरज है, मरज। लेकिन एक और जहल मुरक्कब अब पैदा हो गया है, और वो ये है कि थोड़ी सी इल्मी बात और उसमें बहुत सी गैर इल्मी बात, थोड़ी सी फनी बात और बहुत सी गैर फनी बात। लेकिन ये बातें भी ज़रूरी हैं, आपसे ना करूँगा तो किससे करूँगा। और इस सिलसिले में देखिए, मैंने कल एजुकेशनल सिस्टम के बारे में कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, वहीं तक ला रहा हूँ जहन को, कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसमें मैं फिर दस्ते अदब जोड़ के कहूँगा, माजरत करके कहूँगा, अपनी तबीयत पे जबर करके करूँगा, कहूँगा कि हमारे बच्चों को बिल्कुल बल्कि कुछ बनाया जा रहा है, इंसान नहीं बनाया जा रहा है। एक पॉलिसी है, एक लाइफ स्टाइल है, एक मकसद है, किसी कैपिटलिस्ट का एक हदफ है, और वो उस हदफ को हासिल करने के लिए एक उसने प्रोग्राम बनाया कि हमारा ये मकसद कैसे अचीव होगा, और उस प्रोग्राम के मुताबिक एक इंसानी वजूद को ढाल देने का नाम है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ये मकसद नहीं है कि इसका नफ्स इतना कामिल हो जाए, इसका नफ्स इतना कामिल हो जाए कि खुद इसमें मुस्तकिल तौर पर ताकुल की सलाहियत पैदा हो जाए। और फरमाया खुद ये इदराक करने की सलाहियत पैदा कर ले, ताकुल सही समतों में, ताकुल सही माना में, ताकुल की कैफियत पैदा हो जाए। ये नहीं है, कहा जो कुछ भी जाता हो कि हमारे यहाँ होलिस्टिक अप्रोच है और हम बच्चे की पर्सनालिटी को एक टोटलिटी बख्शना चाहते हैं और एक मुकम्मल वजूद बख्शना चाहते हैं, लेकिन वो सब वही है कि जैसे बाज़ चीज़ों की बाज़ अजनास के इश्तहारात आते हैं, इश्तहार पढ़ने और देखने के बाद जी चाहता है कि बस ये चीज़ मेरे घर आ जाए, और जब वो चीज़ घर आ जाती है तो अक्सर ये होता है कि हाय पैसा ज़ाया हो गया है। तो जो लोग साहिब फिक्र हैं वो आजकल के तालीमी इश्तहारात के पीछे दौड़ते हैं, और इनमें से 90% बुजुर्ग वो हैं जिनमें तहजीबी शऊर है, जब बच्चा बड़ा होता है तो कहते हैं हाय मेरा बच्चा तो जाया हो गया। होता है कि नहीं, बच्चा मेरा था, काम तो किसी और के आ रहा है, अब मेरे काम नहीं आ रहा है, ना माँ के काम का, ना बाप के काम का, ना अजीज व अकरबा के काम का, कंपनी के काम का है, वो माशरे के काम का भी नहीं, वो किसी कंपनी के काम का है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी फैक्ट्री के काम का होगा, किसी इंडस्ट्री के काम का होगा, किसी एक डिसिप्लिन में मखसूस होगा, लेकिन वो कम से कम इंसानियत के काम का नहीं रह गया। इसलिए कि इंसानियत के काम का होने का मतलब ये था कि पहले माँ बाप का होता, पहले माँ बाप का होता। अब देखिए
फजाइल मौला तो पढ़ूंगा, पहले आपके और अपने रजाइल तो पढ़ लूं, तब ना पता चलेगा कि फजाइल सुनने से फायदा क्या है। फजाइल सुनने के और मसाइब सुनने का एक फायदा यह है कि हम उन फजीलतों के परतों में अपने किरदार को कुछ संवार सकें। हज़रत नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का एक इरशाद है, बहुत मशहूर इरशाद है, फरमाते हैं ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो, जीनत दो, सजाओ। किस बात से? ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से। इस हुक्म का मानी समझे आप? अपनी मजलिसों को सजाओ। सजाने का हुक्म किसे दिया जाता है? मैं अगर किसी के घर बुलाया जाऊं और जाऊं और देखूं कि घर उजड़ा पड़ा है, ड्राइंग रूम में कोई सजावट नहीं है, कोई सलीका नहीं है, चीज़ जो यहाँ होनी चाहिए वहाँ रखी है, जो वहाँ होनी चाहिए यहाँ रखी है, तो अगर बेतकल्लुफ़ी है, हमदर्दी है, हैं, और मुझ में भी इखलास पाया जाता है, अय्यारी नहीं है, मुनाफिकत नहीं है, खुलूस का रिश्ता है, और उसने भी खुलूस से बुलाया है, तो बेतकल्लुफ़ कह दूंगा कि मियाँ देखिए आपके यहाँ आया, आपने बुलाया, मुझे बड़ी खुशी हुई, मगर घर देख के ज़रा तकलीफ़ हुई, ज़रा घर सजावट जाके तो रखो, लगे कि इंसान का घर है, आदमी का घर है, मोमिन का घर है, हैं? मोमिन बहुत हुस्न परस्त होता है, मोमिन ही को हक है हुस्न परस्ती का, मोमिन ही को हक है जमाल परस्ती का। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, खुदा जमील है, जमाल को पसंद करता है। और क्यों कह रहा हूं कि मोमिन ही को हक है हुस्न परस्ती का, जो हुस्न की कदर कर सके वही हुस्न परस्ती का हकदार है। जो कदर हुस्न ना कर सके उसे क्या हक है हुस्न परस्ती का? उसका नाम हुस्न परस्ती नहीं, कुछ और है। ये जनाब नासिर ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमाए, बहुत अच्छे शायर हैं, दानिश्वर हैं, और भी शुरा और दानिश्वर हजरत तशरीफ़ फरमा होंगे, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, और इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ कि इन्हीं के कबील के अफराद कहते हैं हरबुल हवस ने हुस्न परस्ती शियार की। तो हुस्न परस्ती और बुल हवसी में फ़र्क होना चाहिए ना। मोमिन कभी बुल हवस नहीं होता, और चूंकि मोमिन बुल हवस नहीं होता इसीलिए उसका हक हुस्न परस्ती महफूज है, हुस्न परस्त होता। बहरहाल तो अब मैंने उनसे कहा कि भाई आप ज़रा मकान सजा के रखिए। क्यों कहा? चूंकि मकान अच्छा नहीं था, सजा हुआ ना था, यानी ऐब था। सजावट होती है, जीनत होती है ऐब को छुपाने के लिए। अच्छा, अगर कहीं जाऊं और सजा सजाया मकान हो और फिर मैं कहूं कि भाई ज़रा सजावट तो कर लिया करो, तो फिर ये मेरा कहना उसके हक में मजम्मत नहीं होगा, मेरी अपनी सफाहत पे दलील होगा। कैसा सफ़ीह इंसान है, बिला वजह नाम अपना अकील रख लिया, बरअक्स नेहंद नाम जंगी काफूर है, मर्द सफ़ीह और नाम अकील रख लिया। हाँ, दुनिया में यही होता है, कभी कभी बड़ा दनी होता है इंसान, लेकिन नाम अपना कुछ और रख लेता है। तो ये मशवरा, ये कहना, ये मौइज़ा कि आप सजा लीजिए, अगर कहीं सजा हुआ है मकान, शख्सियत सजी हुई है, तो फिर कहना बहुत ही नाज़ेबा है। ये जुमला हुजूर ने कहा, ज़य्यनु मजालिसकुम, किससे कहा? जो लोग सामने बैठे हुए थे उन्हीं से तो कहा, और बिला कैद और बिला शर्त, बिला तख़सीस, बिला तक़यीद, पूरे इतलाक के साथ कहा, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, तुम अपनी मजलिसों को ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से जीनत दिया करो। अब जो लोग हुजूर के सामने थे वो सब सुन रहे थे, उन्हीं से खिताब था, और ये खिताब नहीं था कि भई तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारे बाद वाली नस्लों के लिए यह हुक्म नहीं है मेरा,
या मर्दों से कह रहा हूं औरतों से यह हुक्म नहीं है मेरा, या बड़ों से कह रहा हूं बच्चों से यह हुक्म नहीं है मेरा। कयाम कयामत तक अफराद बशर जितने भी आएंगे उन सब से खिताब रसालत है कि अपनी बज़्मों को, अपनी नशस्तों को, अपनी मजलिसों को, अपनी गुफ्तगुओं को, अपने मुबाहिसों को, अपने मुजाकिरों को तुम जिक्र अली इब्न अबी तालिब से सजाया करो। इसके मानी यह है कि तुम नाकिस हो, तुम्हारे अंदर ऐब है, तुम्हारी जिंदगी उजड़ी हुई रहेगी जब तक अली इब्न अबी तालिब का तज़किरा ना होगा। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई ये ना समझे कि हम जिक्र मौला करते हैं और ये मौला की जरूरत है। आका हमारे जिक्र के मोहताज हैं, सरकार हमारी नात के मोहताज हैं, अल्लाह हमारी हम्द व सना का मोहताज है। अल्लाह गनी अलल इतलाक है, वो हमारे सजदे का, रुकू का, कयाम का, जिक्र का कोई मोहताज नहीं, बेनियाज मुतलक। और जितने उसके खास बंदे हैं उन सब में उसी की बेनियाजी पाई जाती है। मुस्तफ़ा भी बेनियाज का बेनियाज बंदा है, मुर्तजा भी खालिक बेनियाज का बेनियाज बंदा है। हमसे कोई नियाजमंदी नहीं है। सरकार सैयद शुहदा बेनियाज हैं हमारे जिक्र से, हमारे मातम से, हमारी मजलिस से। उन्हें कोई गरज नहीं है, वो मोहताज नहीं आए, वो मोहताज नहीं है, कतअन मोहताज नहीं है। ये फरमाना हुजूर का कि ज़य्यनू मजालिसकुम, यानी तुम मोहताज हो, तुम्हारे अंदर जरूरत है इस बात की कि इनका तज़किरा करके अपनी जिंदगी को रोशन कर सको। दामने किरदार संवारो, जाहिर संवारो, बातिन संवारो, जिंदगी संवारो, घर संवारो, माशरा संवारो, नस्लों को संवारो, नस्लों को सवा। तो हम जो कुछ कह रहे हैं अब इसमें अपने, और देखिए बुजुर्गों ने जो एक तहजीब, हम दूसरे एजुकेशनल सिस्टम पे क्या तबसरा करें। एक तबसरा मुकम्मल हो गया और ये बहुत गहरी बात थी जो मैंने कह दी बातों बातों में, कि असल चीज के नफ्स इंसानी मुकम्मल हो जाए और उसमें ताक़ुल की कैफियत पैदा हो जाए, ये कोई नहीं चाहता। आज चाहते हैं कि आप वो सोचें जो हम चाहते हैं कि ये सोचो, तुम वो कहो जो मैं चाहता हूं कि ये कहा जाए, तुम वो करो जो मैं चाहता हूं कि ये किया जाए, तुम अपना घर इस तरह संवारो कि मेरी बनाई हुई चीजें उसमें खप जाएं। सारा मसला, पूरी दुनिया इस वक्त यही है, इल्म नहीं इक्तसाद है, और इक्तसाद भी बैय नहीं रिबा है। बस पूरी बात मैंने गुजारिश कर दी। अब जब हम दूसरे निजाम तालीम पर तबसरा कर रहे हैं तो कुछ अपने निजाम तालीम पे भी तबसरा कर लें। हमारा सबसे मुअस्सर, सबसे बड़ा तालीमी अदारा क्या है? हमारा किसी और का नहीं। ये कह रहे हैं माँ की गोद, एक बात सही है, मैं इस वक्त किसी और सतह से गुफ्तगू कर रहा हूँ। खुदा की कसम हमारा सबसे बड़ा तालीमी और तरबियती इदारा ये इदारा आज़ा है, ये मजलिस आज़ा, ये मेंबर, ये फर्श आज़ा, ये सोज़खानी का तख्त। इसकी जो बुनियादी कदरें हैं अब हमारी नस्लें उससे नाआशना होती जा रही हैं। मैं बड़ी गहरी और इल्मी और फलसफियाना और ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी सारी बहसें करना चाहता हूँ, करूँ किसके सामने, किसके सामने करूँ, किस जबान में करूँ, कैसे करूँ, हैं?
कैसे करूं बताइए। जब बुनियादी तहजीब में खलल आने लगे और जिसका जिस तरह जी चाह रहा है, गोया वो आज़ादारी ना हुई, जिक्र मौला ना हुआ, उर्दू की आज़ाद शायरी हो गई। जहाँ से चाहा बहर को तोड़ दिया, जहाँ से चाहा अरकान बढ़ा दिए और घटा दिए। गज़ल भी आज़ाद हो गई, नज़्म भी आज़ाद हो गई, और फिर इतनी आज़ाद हो गई कि नसर हो गई। अब तो नसरी नज़मों का दौर आ गया है और नसरी गज़लें अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी, गालिबन वो भी तख्लीक हो चुकी होंगी, हो चुकी। नहीं, आज़ाद गज़ल तक तो पहुँचा हूँ, नसरी गज़ल तक नहीं पहुँचा मैं, शायद हो गई हो। बहरहाल अजीज़ो, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, जो चीज़ें हमारी आज़ादारी के अज्ज़ा हैं, हर चीज एक अलामत है एक अजीम तसव्वुर की और एक अजीम हकीकत की। हर चीज, और हर चीज के अंदर एक तरबियती तासीर है नफ्स की तरबियत के लिए, नफ्स के तज़किये के लिए। और बुजुर्गों ने जो उसलूब बनाया आजादारी का, जो तरीका ईजाद किया, वो तरीका भी इस कदर खुदा उनको हमारी तरफ से और क़यामत तक आने वाली उन मुबारक नस्लों की तरफ से कि जिनमें जज्बे विला पाया जा रहा है, उनकी तरफ से जजाए खैर अता फरमाए। कैसा बालीदा उनका समाजी शऊर था, कैसा मजबूत नफ्सियाती शऊर था, कैसा हकीमाना तदब्बुर था उनमें। उन्होंने ऐसी रस्में बनाई जिन रस्मों को आप बिदात नहीं कह सकते। रसूल की जबान में अगर कुछ कहेंगे तो उसे सुन्नत हसना कहेंगे। सुने आज ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ कुतुब सहाह में भी मौजूद है, और जो इस्तिलाहन कुतुब सहाह नहीं है लेकिन नहायत मोतबर और मुस्तनद किताबें हैं, उनमें भी मौजूद हैं। और तकरीबन नहीं, तहकीकन मुत्तफ़क अलैह हदीस है। और मुत्तफ़क अलैह ये जो इस्तिलाह है मुहद्दिसीन की, इसकी भी तीन अलग अलग तारीफ़ें हैं, और तीनों तारीफ़ों की रोशनी में मुत्तफ़क अलैह है। अब ज़ाहिर है मकाम मजलिस है, अगर सिर्फ इल्म हदीस का दर्स होता तो फिर गुफ्तगू दूसरे अंदाज में होती। तो और मैं अर्ज करता हूं कि इस हदीस को हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब भी कह सकते हैं, इसलिए कि हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब उसे कहते हैं कि जो हदीस अबन अन जद्दिन किसी मासूम से रिवायत होके आई हो। यानी एक मासूम कहे कि मेरे पिदर बुजुर्गवार ने कहा, और वो मासूम कहे मेरे पिदर बुजुर्गवार ने कहा, और वो मासूम कहे मेरे पिदर बुजुर्गवार ने कहा, यहां तक कि सिलसिला हजरत खत्मी मरतबत तक पहुंचे और उसके बाद वो हदीस नकल की जाए। तो ऐसे सिलसिले रिवायत को कहते हैं सिलसिलतुज़्ज़हब, यानी वो सिलसिला जो शायान शान है कि सोने के पानी से लिखा जाए, और वो सिलसिला जिसके लिए हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं कि जहाँ ऐसे सिलसिले हों, और वो सिर्फ उस सिलसिले के लिए कहते हैं कि जो आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरवी हों, और किसी सिलसिले से नहीं। आप समझ गए, यानी जब इमाम हसन अस्करी फरमाएं कि मैंने अपने बाबा इमाम अली नकी से सुना, और उन्होंने अपने बाबा इमाम मोहम्मद तकी से नकल किया, और उन्होंने अपने बाबा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से नकल किया, और उन्होंने अपने बाबा हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से नकल किया, और उन्होंने अपने बाबा हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल किया, उन्होंने हज़रत इमाम बाक़िर से, और उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और उन्होंने अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और उन्होंने अपने वालिद अली इब्न अबी तालिब से, और उन्होंने पैगम्बर से नकल किया। कहा हदीस तो रहने दो, अगर सिर्फ ये सिलसिले सनद लिख कर किसी मजनून को पिला दिया जाए तो उसे शफा हासिल हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में। नाम याद रखिएगा, ये किसी सड़क पे बैठने वाले तावीज़ गंडा करने वाले इंसान का बयान नहीं है,
ये हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का बयान है, गोया तावीज़ जुनून है। अगर किसी को तावीज़ चाहिए हो तो बस ये 12 नाम लिख ले और अपने सीने पर, अपने बाजू पर बांध ले, और अगर ज़ाहरी कागज़ पर लिखने से इतना फ़ायदा है तो अगर दिल के ऊपर नक्श कर ले तो कितनी तासीर होगी। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तो इस हदीस को हदीसे सिलसिलत ज़हब भी कह सकते हैं, इसलिए कि इस हदीस के सनद में कई मासूम नाम भी आते हैं। और ख़ुसूसियत से मैं इस वक्त जो रिवायत नकल कर रहा हूँ वह हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब सिबक़े अकबर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, दोनों नबी ज़ादों से। लोग कहते हैं शहज़ादे, ये तो हमारी कुंद ताबीर है, ये हमारी गुंग ताबीर है, ये हमारी इंसानी ताबीर है, हैं नबी ज़ादे, इनकी अजमत है नबी ज़ादे। दोनों नबी ज़ादों से तमाम उलमाए इस्लाम ने नकल किया कि हुजूर ने फरमाया मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अजरहा व अजर मन आमिल बिहा इला यौमिल क़ियामा। जो शख्स भी कोई अच्छा तरीक़ा ईजाद करे, जो शख्स भी, यहाँ लफ्ज़ सुन्नत सुन्नत नबवी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, हुजूर खुद लफ्ज़ सुन्नत को अपने अमल के लिए नहीं इस फकरे में इरशाद फरमा रहे हैं। कोई भी मन जो भी मन सन्ना सुन, इन्हीं अल्फाज में है यह हदीस, इन्हीं अल्फाज में है, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अजरहा व अजर मन आमिल बिहा इला यौमिल क़ियामा। जिसने भी कोई अच्छा तरीका सुन्नत हसना ईजाद की, अच्छा तरीका ईजाद किया, उसको उसका सवाब मिलेगा, और जो भी लोग उस सुन्नत हसना पर अमल करते रहेंगे उन सब का सवाब उनको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा रोज़े क़यामत तक। यानी कोई भी अच्छा तरीका, तो हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं कि हमारे बुजुर्गों ने क्या सुन्नत हसना ईजाद की है। ये आज़ादारी सुन्नत हसना है, बिदात नहीं आए, सुन्नत हसना है, ये सुन्नत हसना है। पैगंबर की जबान इस्तेमाल कीजिए, दूसरों की जबान क्यों इस्तेमाल करते हैं। सुन्नत हसना, इस सुन्नत हसना में जब भी कोई सोज़खान या ज़ाकिर ख़तीब कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही बड़ा आलिम व फ़ाज़िल हो, अब देखिए जब बातें जहन में आती रहती हैं मुख्तलिफ बातें, तो मैं गुजारिश करता चला जाता हूँ, एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई ख़तीब, कोई आलिम, मुज्तहिद, फ़कीह कोई भी मिंबर पर आए, उसूल ये था। अब कुछ लोग इस सुन्नत को तर्क कर दें तो दूसरी बात है कि आने के बाद सबसे पहले कहेगा फातिहा, सूरह फातिहा। इसकी मानवियत क्या है, किस लिए कहते हैं फातिहा, किसके लिए पढ़ते हैं फातिहा, किसको नज़र करते हैं फातिहा, ये मालूम होना चाहिए ना। और ये तरीक़ा क्यों है, बराह रास्त आते ही मैं तकरीर उर्दू में शुरू कर दूँ, नहीं फातिहा कहूँगा, फिर अरबी में खुतबा होगा मुख्तसर सा, उसके बाद आयत होगी कुरान की, फिर बयान होगा, हैं। ये सूरह फातिहा इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ भी हम कितनी ही तारीफ़ कर लें खुदा की, खुदा के रसूल की, इमामों की, औलियाउल्लाह की, हैं इबादुल्लाह सालिहीन की, कितनी ही तारीफ़ कर लें, हम क्या, हमारी ज़बान क्या, हम क्या, हमारी फ़िक्र क्या, हमारी ताबीरें क्या। इसलिए बेहतर यह है कि उनकी खिदमत में सबसे पहले वो नजराना पेश करें जिसमें उनकी तारीफ खुद खालिक़े कायनात ने फरमाई है, और फिर हम अपनी बात कहें इस आरजू के साथ, इस दुआ और इल्तिजा को दिल में लेकर कि इस कलाम इलाही के सदक़े में हमारी मदहखानी भी सुन लें। और फरमाया
वरना हमारी क्या बिसात कि हम इनके शायान शान कोई कलाम तख्लीक कर सकें। उसके बावजूद ये जज्बा होना चाहिए कि जो कुछ भी, देखिए खताए इंसानी अलग है, लेकिन अपनी भर तक हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर नजराना पेश करे। और बेहतर से बेहतर नजराना यह है कि कम से कम जबान नोक पलक से तो दुरुस्त हो, काफिये तो दुरुस्त हो, तलफ्फुज़ तो दुरुस्त हो, कम से कम काफिया और रदीफ तो दुरुस्त हो। और इसलिए कहीं और उस्तादी और शागिर्दी का गोया अदब और ये तहजीब और ये तरीक़ा राइज हो या ना हो, मगर मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ कलाम पढ़ें, यानी यहाँ से मुराद है दरबार अहले बैत में। देखिए आज बहुत ही सलीस और बहुत ही आम फहम गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन बेहद मुफीद समझता हूँ इसे। एक और मिसाल दे दूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि किसी साहब को सदर ममलिकत को ख़त लिखना है, गवर्नर को ख़त लिखना है, या किसी प्रोफेसर डीन ऑफ फैकल्टी को कोई दरख्वास्त पेश करनी है कि वो मुलाजमत मिल जाए या एडमिशन मिल जाए या कोई काम हो जाए, तो वो पहले तलाश करेगा कि किसी ऐसे आदमी को तलाश कीजिए जो अच्छी ज़बान में सलीके से दरख्वास्त लिख सके, जो उनके शायान शान हो, मुख्तसर लफ्ज़ों में पूरी बात पूरा मुद्दा बयान हो जाए। ऐसा ना हो कि ख़त देखते ही वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए, है ना, ऐसा ना हो। तो आप अपने दुनियावी मसाइल में जिसको अजीम व कबीर व जलील और बड़ा समझते हैं उसके लिए तो आप ये अहतमाम करते हैं, और जब आप खिदमत मौला में नजराना पेश करते हैं तो कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। फजर को फजर कह रहे हैं, कब्र को कब्र कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, जो भी हो जिसका भी कलाम हो, मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ। ये एक आम बात है, आम बात है। आज मेरी मजलिस से पहले जो सलाम पढ़ा गया, जज्बा था उसमें, मज़मून था उसमें, बहुत अच्छा सलाम था, बहुत अच्छा कलाम था, खुदा कबूल फरमाए, मैं दुआ करता हूँ। लेकिन अदबी मेयार का लिहाज नहीं रखा गया। मेरे बिरादर मोहतरम जनाब नजमुल हसन जाफरी साहब मुझे बहुत दूर से देख रहे हैं कि ये आज आप मजलिस में क्या फरमाने लगे। दिल आज़ारी नहीं कर रहा हूँ, ये भी मेरा फरीज़ा है, कल कह चुका हूँ, आपको खुश करने का हुनर भी रखता हूँ, नाराज़ करने का हुनर भी रखता हूँ। आप नाराज़ आज होके जाएंगे, लेकिन आप और आपकी नस्लें मुझे दुआएं देंगी। आज़ादारी का जो एक मेयार है वो कायम रहना चाहिए। यहाँ पूरी दुनिया सिमट के आती थी और यहाँ से जबान सीख के जाती थी, तहजीब सीख के जाती थी, अदब सीख के जाती थी, मुहावरे दुरुस्त करके जाती थी, ज़र्बुल अम्साल का महल इस्तेमाल यहाँ बताया जाता था। आज हमारे यहाँ अदब खत्म हो गया। बहरहाल अगर बहुत ज्यादा मेरी गुफ्तगू तल्ख महसूस हुई हो तो बहुत बुलंद आवाज से सलावात भेज दीजिए मोहम्मद। पूरी दुनिया में खुदा की कसम आज जो इल्म और अदब पाया जाता है वो दर मुस्तफ़ा की खैरात है। जहां भी बनाम इल्म कोई चराग जल रहा है वो परतवे पेशानी नबुव्वत का एक हल्का सा तरश्शुह है, और जहां भी कोई अदब पाया जाता है वो अदब भी अहले बैत के दर से फैला हुआ अदब है। दुनिया में देखिए, मैं फिर मिसाल अर्ज करूं, लखनऊ में अनीस और दबीर, और खुद आपके लाहौर अदबी मरकज रहा है और बेहमदिल्ला आज भी है, अदबी मरकज रहा है लाहौर, जबान की खिदमत की है लाहौर ने, बड़े शुरा और अदबा पैदा किए हैं लाहौर ने। तो बस ये दरख्वास्त है मेरी कि हमारा ये जो सबसे बड़ा मकतब और मदरसा है, इससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। हर इंस्टीट्यूशन दरो दीवार का मोहताज होता है,
उसके लिए एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कैंपस चाहिए। अरे खुदा ने ये पूरी कायनात को जिक्र हुसैन का कैंपस बना दिया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले में। हम जहां खड़े हो जाएंगे मेंबर बन जाएगा, जहां बैठ जाएंगे फर्श अज़ा बिछ जाएगा, और जहां हमारे अनफास पहुंच जाएंगे वहां अदब तखलीक होने लगेगा। मैं दूसरी जबानों के लिए भी अर्ज कर रहा हूं, अजीजो जवानों, जदीदियत के परस्तारो, आपको साइंस पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, फ्रेंच पढ़नी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ें तो सिर्फ इस जज्बे से ना पढ़ें कि हम किसी अच्छे ऑफिस में अच्छे मुलाजिम बन जाएं, ये पस्त हिम्मती की बात है। अंग्रेजी जबान में अपने बच्चों को ये जज्बा अभी से बेदार कर दें कि बेटा तुम्हें अंग्रेजी में अनीस जैसा शायर बनना है, बेटा तुम्हें दबीर बनना है, अनीस बनना है, तुम्हें वो करबलाई अदब पेश करना है, वो हकीकी रज़मियां, वो हकीकी रज़मियां। के देखिए मगरबी अदब में जो रज़मियां हैं, अब बिल्कुल मेरी फिक्र जो है जरा नासिर जैदी साहब को देख के आज अदबी आफाक की तरफ जा रही है। होमर ने बहुत अच्छा रज़मियां लिखा और दूसरे शुआरा ने रज़मियां लिखे, और आज तक हमारे नाकदीन अनीस पे भी गुफ्तगू करते हैं तो पहले देखते हैं मगरिब ने रज़मियां का क्या मेयार मुकर्रर किया, अरस्तू ने रज़मियां की तनकीद के क्या मेयार और मवाजीन और उसूल मुकर्रर किए हैं। अरे जनाब वाला वो रज़मियां अलग था, उन रज़मियों में एक जुमला अर्ज करके एक जुमले में सारी बहस सिमट आएगी। हमने भी मुताला किया है, वो रज़मियें बेशतर वो हैं जो रूए ज़मीन पर कोई जंग ही नहीं हुई, अरसाए ख्याल में हुई, अरसाए ख्याल में हुई। वो रज़मियें हैं कि जिन्हें नऊज़ु बिल्लाह वो खुद कहते हैं खुदाओं की छुलें, उनके गॉड्स और गॉडेसेस की आपस के मजाक और मजाक मजाक में जंग, ये सब जनाब अरसाए ख्याल में जंग है। बहुत बड़ी बात गुजारिश कर रहा हूं, अरसाए ख्याल में जंगें बरपा हुई और उसके नतीजे में कुछ बातें तारीख और कल्चर की समो दी गई और अजीम रज़मियां बन गया। खुदा की कसम पूरी तारीख बशरी का जो हकीकी अजीम तरीन रज़मियां करबला में हुआ है, अगर इसकी सच्ची और मुकम्मल तर्जमानी हो जाए तो कैसा अजीम रज़मियां खल्क होगा। जहां तासीर है, जहां असल तासीर है। और एक चीज और ताक़ुल कर लें, ताक़ुल कर लें, और वो ये कि हमारे यहां भी जो रज़मियां लिखा गया, बड़ी जुर्रत से कह रहा हूं, लोग नाराज हो जाएंगे, और कैफियत यह होती है कि मौला आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत, उनसे तो अकीदत है बेशक है और रहनी चाहिए, उनसे अकीदत नहीं उन पर अकीदा रहना चाहिए। अकीदत और इरादत तो दूसरों के लिए अल्फाज इस्तेमाल हिफ्ज मरातिब के खिलाफ है, उनसे जो वाबस्ता है हमें उनसे अकीदत और इरादत हो जाती है। तो जो अनीस और दबीर से अकीदत रखते हैं वो थोड़ा सा भी तबसरा और तनकीदी जाविया बर्दाश्त नहीं करते। मैं अगर अनीस होते तो उनकी खाक कफे पा अपनी आँखों से लगाता। जो भी जाकिर मौला है उसकी अजमत मेरी निगाह में बहुत है, लेकिन जब गुफ्तगू तनकीदी होती है तो फ़न पर गुफ्तगू होती है, इस पर होती है कि इन्होंने जो कुछ कहा वो शायान शान मौला था या नहीं था, और अगर था तो क्या उससे भी बलंतर कोई बात कही जा सकती है कि नहीं। अब कारवां आगे बढ़ा, इंसानी कारवां आगे बढ़ा तो और उससे बलंतर कोई बात कही जा सकती है या नहीं। तो अभी कराची में मैंने एक गुफ्तगू में गुजारिश की थी कि जिसे आप रज़मियां कहते हैं, रज़मियां, ये रज़मियां जो उर्दू में भी तख्लीक हुआ, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि तलवार की तारीफ़ है, घोड़े की तारीफ़ है,
मैदान जंग का नक्शा है, हैं तलवार चलने का बयान है, ये तमाम इजाफी चीज़ें हैं। रज़मिया जिसे कहते हैं हकीकी रज़मिया, इस रज़मिये में जौहरी चीज़ क्या है? शजाअत, साबर, इस्तेकामत, सबात कदम, सही फैसला, सही विजन, सही हदफ, फतह शिकस्त का सही मेयार है ना। और शजाअत, शजाअत रज़मिये में शजाअत जो सबसे मरकजी चीज है, यह शजाअत न तलवार में पाई जाती है, न शजाअत घोड़े में पाई जाती है, न शजाअत मैदान जंग में पाई जाती है। वो सरजमीन जिस पे जंग लड़ी जा रही हो, उस जमीन से शजाअत नहीं फूटती, उस जमीन में शजाअत की तुखमरेजी नहीं करता कोई पहले से। कि आप मैदान की नक्शा कशी कर रहे हैं, कैसा सब्जार था, कैसा सहरा था, कैसे पहाड़ थे, कैसा मैदान जंग था, कैसी उम्दा तलवार थी, दुल्हन जैसी तलवार थी या दुल्हन जैसा घोड़ा था। तशबीहें भी कहाँ से कहाँ पहुँची, मैदान जंग में जो घोड़ा दौड़ रहा है उसे दुल्हन से तशबीह दे रहे हैं। क्या तगज़ुल ज़दा जहन था। बहरहाल आप पढ़ लीजिएगा शायरी और मरसिए, अच्छी तशबीहें भी हैं लेकिन ऐसी तशबीहें भी हैं। जनाब वाला तलवार और घोड़ा और मैदान जंग और दौड़ और धूप और गुबार, ये सब कुछ इसमें किसी भी चीज में शजाअत नहीं पाई जाती। शजाअत किस में पाई जाती है? शजाअत तो नफ्स रज़्मकार में पाई जाती है। शजाअत उस नफ्स में पाई जाती है, उस जात में पाई जाती है कि जिसके हाथों में तलवार है। तलवार में शजाअत का जौहर नहीं होता, शजाअत का जौहर नफ्स में होता है। अगर नफ्स में कमाल शजाअत है तो वो हाथों के वास्ते से तलवार के जिगर में भी जौहर शजाअत पैदा कर देगा। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसीलिए गुजारिश करता हूं कि अब तक आज तक कोई मुकम्मल करबलाई रज़मिया तख्लीक ना हो सका। अब तक जितनी कोशिशें हुई हैं वो एक मुकम्मल करबलाई रज़मिये की तख्लीक के लिए जमीन हमवार हुई है। शुअरा के लिए एक गोया एक चैलेंज है, एक दावत फिक्र है, सलाह आम है यारान नुक्तदान के लिए। अब तक जितना भी तख्लीकी काम हुआ वो सिर्फ मुकदमाती सतह पर है, जमीन हमवार की गई है करबलाई रज़मिये की तख्लीक के लिए। वरना करबलाई रज़मिया अगर करबला की रोशनी में नफ्स की शजाअतें देखनी हो, नफ्स की शजाअतें, हकीकत नफ्स व अक्ल की बहस आज उस अंदाज में आगे ना बढ़ी लेकिन फिर भी मरबूत हो गई। अगर नफ्स और अक्ल की हकीकत को पहचानना हो कि कैसा नफ्स होना चाहिए और कैसे नफ्स में कैसी अक्ल पाई जाती है, और शजाअत तलवार में नहीं होती, ज़िरह में नहीं होती, खोद में नहीं होती, नफ्स रज़्मकार में होती है, तो मैं हुसैन का नाम नहीं लूंगा, अब्बास का नाम नहीं लूंगा, अकबर का नाम नहीं लूंगा। उस जवान को देख लीजिए जो लम यबलुगुल हुलम, वो जवान के जिसको करबला में ये कहा जाता था, दुश्मन कहता था कि वो जवान जवान भी नहीं था, पूरे तौर पर नौजवान था, बुलूग के हदूद में कदम नहीं रखा था, लम यबलुग अलहुलम, बालिग भी नहीं हुए थे, 12 या 13 बरस का सिन, और जिस्म ऐसा था कद ऐसा था कि कोई जिरह उनके जिस्म के मुताबिक न थी जो वो पहन के मैदान में जा सकते। कोई जिरह जिसमें मुबारक कासिम इब्ने हसन के मुताबिक न थी, कोई जिरह, चनांचे बगैर जिरह पहने हुए सिर्फ जिस्म पर कुर्ता है, सिर्फ पैराहन था और मैदान में चले गए। क्या नफ्स की शजाअत थी, ये नफ्स था और ये नफ्स की शजाअत थी। और इस नफ्स के ताक़ुल की कैफियत क्या थी? ताक़ुल की कैफियत यह थी
बस चूंकि अब बात आ गई तो मैं इस मंजिल तक गुफ्तगू को आज तमाम कर दूंगा, और इंशाल्लाह कल, चूंकि बहुत सी बातें जो आज गुजारिश करनी थी वो गुजारिश नहीं कर सका, कल इंशाल्लाह। कि ताअक्कुल की कैफियत क्या थी, 12-13 बरस का बच्चा है, हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत हो रही है, कैसे हो रही है? बच्चे सवालात करते हैं, बच्चे सवालात करते हैं, इनके सवालात का सही जवाब देना माँ बाप का फरीज़ा है। अगर ख़ुद ना दे सकें तो फिर मुतालआ करें, मेहनत करें, जस्तजू करें, तहकीक करें, दूसरों से पूछें। फसअलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, जो साहिबान ज़िक्र व इल्म हैं उनसे पूछ कर जवाब दें, मगर बच्चे को झड़के नहीं, और उन्हें अच्छे सवालात करने की तरगीब दें, वैलिड क्वेश्चंस, अच्छे सवालात। देखिए ये अहले बैत के घराने का बच्चा है, साहिब मनसब इलाही नहीं है। शब आशूर जब सरकार सैयदुश्शुहदा ने खुतबा इरशाद फरमाया, कहा हम अपनी बयातें उतार रहे हैं, अब इसे आप मसाहिब के अंदाज में सुन रहे हो, मैं मसाहिब ही पढ़ रहा हूँ, मगर देखिए मसाहिब में भी दर्स है या नहीं है, मसाहिब में भी हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ रोशनी है या नहीं है, हैं? खुतबा इरशाद फरमाया हम अपनी बयात उतार रहे हैं, जिसे जाना हो चला जाए। ना असहाब में से कोई गया, ना इज़्ज़ा में से कोई गया, सब ने तकरीरें की, वो सब आप सुन चुके हैं, अशरे उला में मुसलसल सुना होगा आपने, और उसके बाद हुजूर से जो कुछ भी गुफ्तगू हुई और हुजूर ने फिर आने वाली सुबह की खबर दी, तो जब ये कहा कि तुम सब शहीद होगे और छमाहा असगर भी शहीद होगा, जनाब कासिम खड़े हो गए। जनाब कासिम ने इस सवाल से पहले एक बात कही कि चचा जान, क्या मेरा भी नाम महज़र शहादत में है कि नहीं? तो जनाबे सरकार सैयदुश्शुहदा ने यही पूछा, बेटा कासिम तुम्हें मौत कैसी लगती है? फरमाया आका अभी तो मैंने आपसे पूछा था ना कि हम हक पर हैं कि नहीं हैं, और आपने कहा हम हक पर हैं, और जब हक पर हैं तो फिर मैं आपको बताऊं मौत कैसी लगती है, शहद से भी ज़्यादा शीरी। बच्चे का ये पूछना कि हम हक पर हैं कि नहीं, बच्चे का ये कहना कि मौत शहद से ज़्यादा शीरी रखती है, ये उसके नफ से मुतमइन और नफ से बुलंद मकाम की के ताअक्कुल की कैफियत है। यह है ताअक्कुल, यह है होशमंदी, जिस चीज़ में यानी मौत की लज्जत ये बता रहा है बच्चा अपने अंदाज में, अपने उसलूब में। देखिए करबला में किस कदर हिफ्ज़ मरातिब के साथ सिफात सामने आए हैं, खुदा की कसम किस कदर हिफ्ज़ मरातिब के साथ। मैं इस वक्त नफ्सियाती कैफियतों को वाज़ेह अगर करता चला जाऊँ तो आप गौर फरमाएं, लाखों बार करोड़ों बार आपने ये मसाइब सुने हैं ना। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था कई मरतबा अपनी ज़िंदगी में कि मुझे मौत से इतना प्यार है जितना किसी बच्चे को अपने माँ के सीने से प्यार होता है, शीर मादर से जितनी मोहब्बत बच्चे को होती है उतनी मुझे। मैं कहता हूँ कि हज़रत अमीर का ये जुमला मोहताज दलील रह जाता, इसलिए कि ये उन्होंने बड़ी उम्र में कहा था, बड़ी उम्र में कहा था। खुद दादा का हमनाम एक पोता है करबला में जो वाकयान शीरखार है, जो वाकयान शीरखार है। जब सरकार सैयदुश्शुहदा ने आवाज़ इस्तेगाज़ा बुलंद की तो इसने हुमक कर मौत को इस तरह गले लगा लिया जैसे प्यासा बच्चा दूध पीने के लिए माँ के आगोश में चला जाता। असगर के इस अंदाज ने बताया कि दादा के जुमले में कितनी मानवियत थी। असगर ने मौत को इस तरह तशबीह दी अपने अमल से, और चूंकि कासिम असगर से बड़े हैं इसलिए कासिम ने भी मौत को शीरी कहा मगर शहद की तशबीह देकर। यह है नफ्स के साथ ताअक्कुल की कैफियतों में इर्तिका। गुफ्तगू बाबे मसाइब में चूंकि दाखिल हो चुकी, मैं दस्ते अदब जोड़ के आज आपसे माफ़ी मांग लूँगा, सरकार से माफ़ी मांग लूँगा, जी भर के फजाइल न पढ़ सका, मसाइब न पढ़ सका, लेकिन अब चंद जुमले और कहूँ। आशूर गुजर चुका है, कासिम शहीद हो चुके, अकबर शहीद हो चुके, अब्बास शहीद हो चुके,
असगर शहीद हो चुके, हुसैन कुर्बानी पेश कर चुके। अब 11 मुहर्रम को जो काफिला असीर हुआ है, ये किस अंदाज से असीर हुआ है? 10 मुहर्रम को खैमे जलाए गए। मैं इन वाकयात की तफसील तो बयान करने की सकत रखता ही नहीं हूं, खुदा की कसम। एक एक कलिमा काफी है कयामत तक गिरिए के लिए, एक एक कलिमा, एक एक लफ्ज। अगर किसी के अंदर वाकयन मारिफत हो, मारिफत हो, जो इनका मकाम समझता हो, जो इनकी मंजिलत समझता हो, मकाम नबुवत, मकाम रिसालत, मकाम इमामत, अहले बैत की अजमतों का तसव्वुर, जिसे ये तसव्वुरात हों, उसके लिए एक जुमला काफी है, एक जुमला, हाय रसूल की बेटी ज़ैनब असीर हो गई। इसके बाद किसी लफ्ज की जरूरत बाकी है? किसी तफसील की जरूरत बाकी है? कैसे थे वो जिन्होंने नबी जादी को असीर किया है? और बस अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। वक्त गुजर चुका, वक्त गुजर चुका। मैं बताऊं एक तफसील क्या, एक जुज़ई वाकया, असीरी के साथ साथ क्या क्या जुल्म सितम हुआ है, क्या क्या जुल्म सितम हुआ है, मैं कहूं क्या जुल्म सितम नहीं हुआ। दुश्मनों को भी अंदाजा था कि हुसैन की एक बच्ची है, 4 साल की बच्ची, इस बच्ची से हुसैन को बहुत मोहब्बत थी, हुसैन के सीने पर सोती थी ये बच्ची। जब आका शहादत गाह में तशरीफ़ ले जा रहे थे तो अपनी बहन ज़ैनब से जो वसीयतें की थीं, उन वसीयतों में एक ख़ास वसीयत ये थी कि ए बहन ज़ैनब, मेरी इस बच्ची का ख्याल रखना, इस बच्ची का ख्याल रखना। इस बच्ची की माँ मौजूद थी। आपने ये रिवायत सुनी है, मैंने ये रिवायत पढ़ी है कि हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा इस बच्ची का ख्याल रखना। जरा एक मकाम देखें, एक मकाम। ये जुमला हजारों बार सुना है ना, कौन कह रहा है? सरकार सैयदुश्शहदा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ज़ैनब से कह रहे हैं। इस बच्ची की माँ मौजूद है रबाब, उससे क्यों नहीं कह रहे हैं? ये बच्ची रबाब की बच्ची है, रबाब मौजूद है करबला में, सरकार सैयदुश्शहदा रबाब से नहीं कह रहे हैं। अब यहां पर बात समझी जा सकती है कि रबाब की गोद में 2 नौनिहाल थे, 2, एक असगर थे और एक ये 4 साल की बच्ची। असगर को हुसैन रबाब से मांग के मैदान में ले गए थे और असगर शहीद हो गए थे। अब सरकार सैयदुश्शहदा इंसानी सतह पर रबाब से कैसे कहें कि इस बच्ची का ख्याल रखना? अब गोया हुसैन की खैरत और हमियत बाने है कि रबाब से जाके कहें इस बच्ची का ख्याल रखना। कहीं रबाब ये ना कहे अरे आका, अरे इससे छोटा था वो मेरा असगर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुक। करबला में क्या क्या कयामतें गुजरी हैं, क्या क्या कयामतें गुजरी हैं। असगर को दफन करने वाला बाप अब फर्त गैरत से माँ से ये नहीं कह सकता कि इस बच्ची का ख्याल रखना। फूफी से कहा इस बच्ची का ख्याल रखना, फूफी से कहा इस बच्ची का ख्याल रखना। फूफी ने ख्याल रखने में कोई कमी नहीं की, लेकिन अजीजों जब कुनबा असीर हुआ है तो मैं बताऊं जालिमों ने जुल्म क्या किया है। साहेब माली उसन ने भी ये रिवायत लिखी है कि जनाब वाला माओ से, फूफियों से जब बच्ची लपट लपट के रो रही थी, दुश्मनों ने इस 4 साल की बच्ची को छीन लिया और छीनने के बाद एक तन्हा नाके बेकजावा पर उसकी पुश्त पर ये 4 साल की बच्ची सीने के बल लिटा दी गई और रस्सियों से बांध दिया गया। अब जब नाका चला तो बच्चियों की बच्ची की पसलियां टूटने लगी और आवाज देती थी अरे मादर गिरामी, अरे फूफी मेरी पसलियां टूट रही है, मुझे बचाए। और ये काफिला जब आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, बच्ची की पसलियां जख्मी हुई, बच्ची एक मर्तबा नाके से गिरी, काफिला थमा तो फिर ज़ैनब गई और बच्ची को तलाश करके लाई।
इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमें ज़िक्र हुसैन को मुसलसल और मुदाम कायम रखने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को तहजीब आले मोहम्मद के सांचे में ढाल दे। माबूद अपने वली आसर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और इस बेचैन और बेअमन दुनिया में अमन और आफियत का परचम लहरा दे।